हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डेट इज बेल के जो कंपनी के मार्केट में क्वार्टरली वन रिजल्ट आ गए हैं, तो उस रिजल्ट्स के बाद आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एज वेल एज लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या होना चाहिए, आपको इस कंपनी में एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी में आपको निवेश करना है या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें आपको यहाँ पर 76% का फॉल देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पर, और वो हो चुका है 1648 करोड़ रुपीज़। जो कंपनी के नेट प्रॉफिट से क्वार्टरली बेसिस पर उसमें भी आपको 98% का फॉल देखने को मिला और वो हो चुका है 24 करोड़ रुपीज़। कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 1% गिरकर हो चुके हैं 1648 करोड़ रुपीज़। इसमें जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है वो भी 54% ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से गिरकर हो चुके हैं 24 करोड़ रुपीज़। सो कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी नेगेटिव आए, तो एक अच्छा सा आपको जो गैप डाउन ओपनिंग होता है वो आपको मंडे को जरूर आपको इस शेयर के अंदर दैट इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको जरूर देखने को मिल सकता है। अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो 43,481 का जो इसका कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि इस कंपनी को एक मिड कैप स्टॉक ज़रूर बनाता है, और उसके साथ साथ में इसका जो डिविडेंड यील्ड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ दैट इज़ 2.24%। बीटा है इसका 0.96, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि अगर 1% मोमेंटम अगर आपको इंडाइसेस के अंदर अगर आपको देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको 0.96% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 21.52, अगर उसके मुकाबले अगर अभी शेयर को कंपेयर करें तो 21.04 का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है। प्राइस टू बुक है इसका 4.02 और बुक वैल्यू शेयर की 44.36 रुपीज़। सो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बट फिर भी कंपनी के जो परफॉर्मेंस है जो कि अब 2021 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको फॉल जरूर देखने को मिल रहा है, बट कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है दैट इज 2020 एज वेल एज 2021 में काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। ऑल दो बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन थोड़ा बहुत डाउनफॉल आपको जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें आपको जरूर देखने को मिला, बट कंपनी की जो भी जो टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन है उसके अंदर आपको 10% का आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिल रहा है। जो कि हमने जिस तरह से बात की कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए, तो मेरे हिसाब से एक गैप डाउन ओपनिंग आपको इस शेयर के अंदर जरूर देखने को मिल सकती है, और 5 ईयर हाई प्राइस पे ही करंटली यह शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा था, दैट इज़ 193 का इसने नियरली हाई बनाया और करंटली 175.4 पे इसने क्लोजिंग दी है। सो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इसमें थोड़ा बहुत फॉल आपको जो शेयर की प्राइस है उसमें आपको जरूर देखने को मिल सकता है। सो मेरे हिसाब से 145 से लेकर 143 के प्राइस बैंड के अंदर अगर आपको ये शेयर जाते हुए आपको देखने को मिले तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी में आपकी जो बाइंग है पोजीशन वो आपको नई बनानी चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी जो कि बेल कंपनी से जानी जाती है उसके जो क्वार्टरली वन रिजल्ट है मार्केट में वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।